नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। बांदरी नगर परिषद बांदरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह रहे श्री सिंह ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन किया। श्री सिंह ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण हम लोग घर से नहीं निकल पाए, न ही गरीब लोग मजदूरी कर पा रहे थे। ऐसे समय में श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से आप लोगों को दीपावली तक का निःशुल्क राशन मिलेगा। यह नागरिकों के प्रति केंद्र एवं राज्य सरकार की संवेदनशीलता का एक संवेदनशील उदाहरण है। भाजपा सरकार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है। भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है और यह हमेशा गरीबी के हित में कार्य करती है। श्री सिंह ने कहा कि डेढ़ साल की कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को चलाई जा रही कल्याणी योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार के बनते ही सभी योजनाओं को चालू कर दिया गया। मुकेश राय, बांदरी। उन्होंने लोगों को फ्री राशन मिले, मुफ्त राशन मिले इस योजना के माध्यम से। इस सब प्रयास हम सब लोग लगे हुए हैं, मंत्री जी भी लगे हुए हैं, तो सबको राशन मुफ्त मिल जाए, दीपावली तक राशन मुफ्त मिलेगा। तो हम सब, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है कि हर गरीब को राशन मिले, जिससे वो भूखा न सो। गरीब परिवारों के वास्ते गरीब परिवार चिंता न करें, आपकी सरकार, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे शिवराज जी की सरकार और यहाँ से मंत्री भूपेंद्र भैया के द्वारा गरीब परिवारों के लिए लगातार हर योजना के माध्यम से, जितनी भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से उनको लाभ दिलाने का प्रयास हम सब कर रहे हैं।